आप कितने लोग हैं यहाँ पर, कितने लोग काम करते हैं? जी 6 लेबर है। 6 लेबर है, हाँ जी। 6 लोग काम करते हैं, तो कितना माल उतर जाता है जी एक दिन में? एक दिन में हाँ जी 100 पन्नियाँ उतर जाती है। 100 पन्नियाँ उतर जाती है। एक पन्नी में कितना वजन होता है जी? 25 किलो। नमस्कार दोस्तों, इजरायली खीरा कैसा होता है वो आज हम यहाँ पर आपको दिखाने के लिए आए हैं, क्योंकि इस खीरे में खास बात यह है कि मिठास बहुत ज़्यादा होती है। और आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक बहुत ही शानदार दृश्य जो है यहाँ पर देखा जा रहा है। क्या इसकी टेक्निक है? ये टेक्निक है इसराइल की, और आप ये देख सकते हैं जिसने ये खीरे की खेती की है उसके बारे में यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप भी इस प्रकार की खेती करना चाहते हैं तो जिला बागवानी विभाग से संपर्क कर सकते हैं। तो जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर अवश्य करें। आपके घर में जो खीरा आप खाते हैं उसकी पैदावार कैसे होती है ये आज हम आपको बताएंगे, और वहीं दूसरी ओर इस खीरे के फायदे क्या हैं वो भी हम आपको बताने की जरूर कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि आपके घर में आने वाला खीरा आखिरकार पैदा कैसे होता है। चलिए अंदर की हम आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप ये देख सकते हैं ये अंदर का नजारा है। और इजरायली जो खीरा है वो काफी प्रख्यात है, और किस प्रकार से आप ये देख सकते हैं बहुत ही व्यवस्था जो एक बनाई हुई है, और काफी जो किसान है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका, आप देखते हैं इस फार्म को? हाँ जी, नीलम नाम है जी मेरा, हम यहाँ पे काम करते हैं। तो एक दिन में कितना खीरा उतारते हैं आप यहाँ से? एक दिन में हम 100-117 के बीच पैक निकाल लेते हैं। अच्छा। हाँ जी, वो तो खीरे के ऊपर डिपेंड है, मतलब कि जैसे मोटा है पतला है, हम मोटा खीरा निकालते हैं जो मार्केट में जाता है। अच्छा। वही खीरा लेते हैं। और तीसरे नहीं चौथे दिन हम फसल ले लेते हैं। तो जो तीसरे चौथे दिन हम फसल लेते हैं तो पैकेट बस थोड़ा 110-115 इसके बीच हो जाता है। अच्छा। हाँ जी, तो क्या खासियत क्या है इस खीरे की? खासियत यही है इस खीरे की कि छोटा बड़ा कितना भी बड़ा खाइए ये कड़वा नहीं है। कड़वा नहीं है? हाँ जी। अच्छा, तो कहाँ कहाँ यहाँ क्या रेट चल रहा है अभी इसका? अभी तो 18-20 के बीच चल रहा है। 18-20 रुपए किलो के हिसाब से आप इसको बेचते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो कहाँ पड़ता है ये, करनाल से कितनी दूर है? ये करनाल से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। अच्छा, तो हाँ, किसानों को क्या फायदा है इस खेती को करने के बाद, क्या फायदा मिलता है? किसानों को बस यही फायदा है कि खेती अगर अच्छी चल रही है तो फायदा ही है। अगर जैसे बारिश है, तूफान है, मतलब कि मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, अगर तेज बारिश हो जाती है, तूफान आ जाता है, तो उसमें जो हमारी बेलें नीचे आ जाती हैं उसमें मालिक को ज्यादा काम भी करवाना पड़ता है, जो हमने काम निपटा दिया वो दोबारा से करना पड़ता है। खीरा जो नीचे आ जाता है वो खीरा पीला पड़ जाता है, तो मार्केट में रेट कम जाता है उसका। बहन जी, ये खीरा मार्केट में तो दिखता नहीं है, जैसे ये खीरे की शक्ल है ये तो मार्केट में दिखता नहीं है, वो कौन सा खीरा होता है दूसरे वाला जिसमें धारियां होती है? वो देसी खीरा होता है। हाँ। वो कड़वा होता है। अच्छा। हाँ जी, तभी आप उसको काट के खाएंगे ना। हाँ। वो कड़वा ही निकलेगा। अच्छा। और इसको आप जैसे भी मर्जी खाएं ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं मिलेगा। थोड़ा सा दिखाइए, शक्ल दिखाइए। तो ये बहन जी आपको शक्ल दिखाएंगी, ये जो है खीरा आपको मार्केट में दोस्तों बहुत कम देखने को मिलता है। आपको मैं नजदीक से दिखा देता हूँ, एक खीरा निकाल कर दिखा दीजिए, ये देखिए। तो ये देखिए, ये जो है खीरा आपको मार्केट में बहुत कम मिलेगा, इजरायली खीरा इसको बोलते हैं। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा नजदीक से दिखा दीजिए, ये देखिए इजरायली खीरा इसको बोलते हैं। मार्केट में बहुत कम आपको ये देखने को मिलता है, क्योंकि इसकी खासियत ये है कि खीरा ये कड़वा नहीं होता है, ये जो खीरा है बहुत ही मीठा होता है। और टेक्निक आप देख लीजिए, किस टेक्निक से इसको यहाँ पर बोया जाता है और किस प्रकार से इसको, इसकी जो फसल है वो यहाँ पर काटी जाती है। तो आप ये बताएं कितने लोग यहाँ पर काम करते हैं? हम यहाँ 6 लेडीज काम करती हैं। हाँ। जैसे काम के हिसाब से बढ़ाना पड़ता है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो कोई समस्या भी आती है, क्योंकि देख पाते हैं कि इन दिनों में काफी आंधी तूफान भी आता है, तब तो किसान को बहुत नुकसान होता है। नुकसान होता ही है, समस्या भी आती है। अब जैसे मौसम खराब हो जाता है, हम अपना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हम अपनी बेलों को वैसे ऊपर बांध के चले जाते हैं, और रात को जैसे तूफान आ जाता है सुबह के देखते हैं तो वो नीचे मिलती है। हाँ जी, तो ये जो बेल है ये इसका जैसे ऊपर का मुंह टूट जाता है ना, तो फिर जो नीचे खीरा है सिर्फ हम वही ले पाते हैं। अच्छा। हाँ जी, बेल का अगर ऊपर से मुंह टूट जाता है तो बेल चल नहीं पाती है। हाँ। बेल नहीं चलेगी तो यानी कि हमें फल नहीं मिलेगा। हाँ। तो फल हमें वही मिलेगा जो नीचे है। अच्छा, तो इस खीरे की सप्लाई कहाँ जाती है, क्योंकि ये तो मार्केट में दिखता नहीं है खीरा? सप्लाई पानीपत भी जाती है, अम्बाला भी जाती है, कैथल भी जाती है। हाँ।
ये पैल्स वगैरह में जाती है। अच्छा, बड़े बड़े शहरों में जाती है। हाँ जी हाँ जी, जहाँ से दाम अच्छा मिलते हैं। हाँ जी, तो जहाँ से दाम अच्छा मिल जाए वहाँ पर सप्लाई होती है दोस्तों। और आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से इजरायली खीरा इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो को दिखाने का मकसद हमारा यही है ताकि आप लोग भी जो खीरा खाते हैं वो ऐसा माना जाता है कि वो देसी खीरा होता है और ये इजरायली खीरा है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। सांबली गांव है जो कि करनाल से करीब 20 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। और भी किसान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आप सबसे पहले ये बताएं कि इस खीरे की खासियत क्या है, इस खीरे को किस नाम से पुकारा जाता है? ये इजराइल तकनीक है जी सर। इजराइल से है? हाँ जी। तो क्या इसकी खासियत क्या है? खासियत ये है सर, एक तो इसमें खाने में अच्छा लगता है और टेस्टी है। अच्छा, स्वाद है? स्वाद है बिल्कुल। तो क्या इसका रेट क्या है, भाव क्या है इसका? भाव तो लगभग अब तो 18-20 रुपए है जी। अच्छा, और बाकी 30-35-40 रुपए वो मार्केटिंग के ऊपर है जी। तो ये खीरा दिखता तो है नहीं जी मार्केट में इस प्रकार से, क्योंकि ये सर इसलिए नहीं दिखता क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है। अच्छा, ये जो ऊपर में लगाते हैं वो ज्यादा दिखता है। अच्छा, तो ये कॉस्टली है। तो इसे कहाँ सप्लाई करते हो आप? ये पानीपत जी, कैथल, हाँ, दिल्ली। अच्छा, मतलब बड़े बड़े शहरों में आप इसकी डिमांड ज्यादा है, बड़े बड़े शहरों। हाँ, तो किसान को कोई नुकसान भी होता है मौसमी उसके हिसाब से? नुकसान इसमें मौसम के ऊपर है जी, मौसम के ऊपर। हाँ, वैसे इसमें कोई नुकसान नहीं है जी, इसमें कोई नुकसान नहीं है, मौसम के हिसाब से इसमें नुकसान है। तो अगर एक किसान इस प्रोजेक्ट को लगाना चाहे तो किन से वो मिले और कितना उसका खर्चा आता है किसान? इसमें खर्चा लगभग जी 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए एक एकड़ में आता है? 8 लाख रुपए। तो किससे मिले ये, कौन? ये बागवानी अधिकारी है जी। अच्छा, कहाँ बैठते हैं? ये करनाल में जी। करनाल में बैठते हैं? हाँ जी। तो बहुत अच्छी जानकारी दी है सर, नाम क्या आपका? सुभाष राणा। सुभाष राणा है। 8 लाख रुपया जो है खर्च आता है, बागवानी विभाग से जो है आप संपर्क साध सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, बहुत ही एक सुंदर दृश्य जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। जो टेक्निक है वो बहुत ही शानदार है। और भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, कृष्ण लाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृष्ण कुमार जी हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज यहाँ पर आए, इस खीरे की अगर हम बात करें तो आपको क्या खासियत लगी इस खीरे की? इस खीरे के बैग को देख के हमें बहुत ही प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुई। और जैसे प्रोडक्शन और जैसे खीरे की बेलों को इन्होंने जिस फार्म को मेंटेन किया है वो बहुत ब्यूटीफुली मेंटेन किया हुआ है। और हर तरह से जिम्मेदार अपनी पूरी मेहनत के साथ इसमें लगा हुआ है ताकि उसको बेनिफिट हो और इसकी प्रोडक्शन से लोगों को भी बेनिफिट हो, उसके लिए वो सारा पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो सर, ये देखा जाए तो मार्केट में वुमन हम जाते हैं तो इस प्रकार से ये खीरा मिलता नहीं है, क्या कारण है उसका, खीरे की शॉर्टेज? नहीं, खीरे को यहाँ की प्रोडक्शन के मुताबिक तो खीरे की शॉर्टेज जो है ये लोग कवर करने की भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। इनको पूरी मेहनत से लगे हुए हैं कि हिंदुस्तान में जितनी भी प्रोडक्शन हो सकती है उसे लोगों को सुविधा मिले और सुख से वो अपनी चीज को यूज कर सके। तो इजरायली टेक्निक सर आज आपको कैसी लगी? इजरायली जो हमारे इंडिया ने अडॉप्ट किया है बहुत अच्छा है और बहुत सिस्टम से काम हो रहा है और इससे लोगों को और जिम्मेदारों को फायदा होगा। तो बिल्कुल फायदा होगा, आप ये देख सकते हैं जैसा कि किसान भाइयों ने हमें बताया कि 8 लाख रुपया आपका खर्च होता है एक एकड़ में और कमाई भी दोस्तों काफी अच्छी खासी जरूर हो जाती है। आप जिला बागवानी अधिकारी से जो है इस संपर्क कर सकते हैं। तो जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य करें। इस वीडियो को दिखाने का मकसद हमारा सिर्फ और सिर्फ यही है ताकि आपको भी जानकारी हो कि जो मीठा खीरा होता है जो कि सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, कौन सा खाना चाहिए कौन सा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो है केमिकल से भरे हुए खीरे जरूर दिखाई देते हैं। हालांकि ये खीरा, हम ये दावा नहीं करते हैं कि ये खीरा ऑर्गेनिक है, केमिकल यहाँ पर भी डले हुए हैं, लेकिन मिठास की अगर हम बात करें तो इस खीरे की जो मिठास वो बहुत शानदार है, बहुत अच्छी मिठास है इसकी। और साथ ही साथ ये जो खीरा है आपको छोटे शहरों में नहीं मिलता, ये खीरा अमूमन देखा जाता है बड़े बड़े शहरों में आपको ये खीरा मिलता है। अगर आप ये खीरा खरीदना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं करनाल से ठीक 20 किलोमीटर दूर सांबली गांव में। अपडेट आपको देते रहेंगे।